इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। आज हनुमानगढ़ के गांव कोला में हड्डा रोड़ी के विरोध में धरने का आज 16वां दिन है। आज गांव से लगभग 2000 की संख्या में लोग, महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर 100 से 150 ट्रैक्टरों को लेकर गांव के लोग जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और अपनी मांग रखी, इस हड्डा रोड़ी को यहां से हटाया जाए। अगर इसको नहीं हटाया तो यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस हड्डा रोड़ी से गांव के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पूरे जिले की हड्डा रोड़ी बना दी गई है और इसमें मृत पशु डाले जा रहे हैं और गांव में इतनी ज्यादा बदबू आती है, घर में एक मिनट नहीं रुक सकते। बच्चों का उल्टियां कर करके बुरा हाल हो गया। इस आंदोलन विधायक और जिला प्रशासन का जमकर विरोध किया गया। हनुमानगढ़ से धर्मपाल बसीर की रिपोर्ट। चाहते हैं जिनका कचरा वहां डलेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ वहां, मतलब हमारे को वहां से उजाड़ने का पूरी तरह से प्लान बना लिया है। तो इस प्रशासन को हम चेताते हुए, हमने भी ये प्लान बना लिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन उसमें हजारों नहीं बनेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हजारों नहीं बनेंगे। प्रशासन ने हमें किसी के दबाव में हमें एक दिन वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन ढंग से हमारी कोई, एक घंटे तक हमें खड़ा रखा और एक घंटे के अंदर एक ही बात कहते रहे कि डरू तो यही बनाएंगे, आप ये कर दो, हम दीवार बना देंगे, हम जो इसका गड्ढा खोद देंगे, हम ये कर देंगे। हमने कहा कि गड्ढा खोदना तो यही खोदो। हमने प्रशासन को यह भी कहा कि अच्छी अच्छी चीजें जो है वो तो हनुमानगढ़ जंक्शन में आए, और जो गंध है, कचरा है, ये कहां का नियम है कि किसी के घर का कचरा दूसरे घर के आगे डाले? क्या ये सभ्यता है? मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये कैसे किया जा रहा है। और वो हमें कह रहे आप धैर्य रखो। कलेक्टर साहब, हमने धैर्य बहुत रखा है, आज हमें 16 दिन हो गए और इसके बाद भी यदि हमारी बात को नहीं सुना गया और हड्डा रोड़ी को नहीं हटाया गया तो हम वहां मरेंगे और हड्डा रोड़ी में आने वालों को मारेंगे। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। हमने धीरे धीरे कह दिया, बार बार ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। तो इसलिए प्रशासन को चेत जाना चाहिए और अपनी इस बात को अभी भी संभाल लेना चाहिए कि हम जो है किसी के जान जाने से बचाएं और लोगों की जो है, हमारा जो अधिकार है, स्वच्छ वायु और पानी का अधिकार है, वो भी हमारे से छीना जा रहा है। कैसा प्रशासन है ये? हम जो है मरेंगे मारेंगे लेकिन हड्डा रोड़ी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जय हिंद। मेरी माता, बहना, बुजुर्गा और सारे ग्रामीणों को आभार व्यक्त करूं और सारे बड़े आभार मैं आ मीडिया वालों को व्यक्त करूं जिका ई विपत्ति की परिस्थिति में आपनों अत्यधिक सहयोग करे है और आ अपने खातर आपकी जी जान लगा रखी है, क्योंकि ये जाना है कि यदि आप हमारा गाँव हड्डा रोड़ी ना हटाई गई तो आने वाले समय हमारा गाँव खातर बहुत दुखदायी हो जगो और हमारे गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लग जाएगी और हमारे ही गांव में रहना बहुत दुखदायी हो जगो और मेरे गांव में कौन रह पाऊंगा। और जब महाराज सा बच्चा इसी सभा ने संबोधित, लगा दी
यहाँ पे बंद कर देंगे। बिल्कुल आपकी वही नंबरिंग होगी, जो आपके एक से वो है नंबर वही नंबर रहेंगे आपके। बिचारा कौन कौन बोलो, एक एक बोलो, बिचारा बोलोगे, बिचारा बोलोगे, चलो आप बात करो।